उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव से पूर्व मिल रहे भारी जन समर्थन को देखकर ये विश्वास हो गया कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार भारी बहुमत से आ रही है। और हो भी क्यों ना, केंद्र सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल में समाज कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को लागू किया जिससे कि देश का विकास हुआ है। और उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह की सरकारों ने पूर्व में जो कार्य किए हैं उसका जीता जागता नमूना आपके सामने है। बारी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की है। यूं तो सभी नेता अपनी क्षमता अनुसार अपने क्षेत्र को विकसित करने के लिए अनूठे प्रयास करते रहे हैं, परंतु हमारे पास एक नेता ऐसा है जिसके पास नई सोच के साथ साथ क्षेत्र में विकास का फॉर्मूला भी है। भाजपा प्रत्याशी श्री अतुल गर्ग जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, 400 साल पहले गाजियाबाद के छोटे से गांव डूंडाहेड़ा में बसे सोहन लाल जी के वंशज हैं। इसी वंश श्रृंखला में लाला हरसरन दास जी की, पंडित मदन मोहन मालवीय और वीर सावरकर जी की बनाई हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, जिन्होंने आजादी के समय 1947 में चौपला मंदिर के संघर्ष में काफी कष्ट सहे। और उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इनके पिता स्वर्गीय श्री दिनेश चंद्र गर्ग जी, जो कि गाजियाबाद के पहले सीए भी हैं, समाज कल्याण में अपना काफी समय व्यतीत करते थे। संघर्ष करते करते इनके पिता स्वर्गीय श्री दिनेश चंद्र गर्ग जी 1948 के सत्याग्रह में जेल गए। निष्काम भाव से गाजियाबाद की सेवा की और गाजियाबाद के प्रथम महापौर भी चुने गए। स्वर्गीय श्री दिनेश चंद्र गर्ग जी साई उपवन, सुदामापुरी के प्राथमिक विद्यालय, विशेषकर कन्या विद्यालय, सस्ती दवाओं की डिस्पेंसरी जैसे विभिन्न प्रभावशाली काम कर चुके हैं। अपने पिता स्वर्गीय श्री दिनेश चंद्र गर्ग जी की कार्यशैली से प्रेरित होकर अपने संस्कार को कायम रखते हुए श्री अतुल गर्ग जी भी क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर रोजगार और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया। 2000 से ज्यादा छात्रों को दिनेश चंद्र गर्ग चैरिटेबल ट्रस्ट और 5000 से ज्यादा छात्रों को केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से निशुल्क प्रशिक्षण भी दिलवाया और जनता के स्नेह और सहयोग से भविष्य में भी यूं ही अपना कर्तव्य निभाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में श्रीमती दमयंती गोयल, श्री सुनील शर्मा, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय मंत्री जनरल वी के सिंह जी के चुनाव में प्रचार एवं संयोजन की जिम्मेदारी श्री अतुल गर्ग जी ने सफलतापूर्वक निभाई थी। राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका कार्य काबिले तारीफ रहा। भाजपा के अंत्योदय प्रकोष्ठ में एमएल खट्टर जी, जो कि अब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ श्री अतुल गर्ग जी ने 2 साल काम किया। माननीय किरीट सोमैया, माननीय अरुण सिंह के कार्यकाल के बाद निवेशक सुरक्षा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल फिलहाल में विज्ञान व सूचना यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम में रोजगार हेतु NIELIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार के अधीन सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में गैर सरकारी सलाहकार हैं। हमारे परिवार में राजनीति सन 1920-30 से है, जब लाला हरसरन दास यहाँ पर चेयरमैन का चुनाव जीते थे। वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। 1952 में लाला हरसरन दास को चुनाव लड़ने का, संसद का चुनाव लड़ने का मौका भी मिला था। 1948 में दिनेश चंद्र गर्ग और लाला हरसरन दास, बनवारी लाल जी, ये सब लोग एक साथ जेल गए थे। इमरजेंसी में भी फिर जेल हुई। मेरे पिता श्री दिनेश चंद्र गर्ग को चेयरमैन के समय में 1971 में और 10 साल मेयर बनने का मौका इस गाजियाबाद की जनता ने दिया था। एक परिवार के अंदर एक संवेदनशीलता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संवेदनशीलता है वो हमारे परिवार के अंदर भी है। और हम राजनीति के माध्यम से सेवा करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाने का जज्बा हमारे बीच में है। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने का मुझे मौका आप देंगे। जो प्रदेश सरकार के अंदर गाजियाबाद के विधायक के रूप में मेरी भी भागीदारी होगी, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा सहयोग मैं आपसे मांगता हूं और उसके लिए मैं आपसे निवेदन भी करता हूं। निर्णय आपका है कि आपका विधायक कैसा होना चाहिए। आपके सामने हैं अन्य दलों के नेता और दूसरी तरफ हैं भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित उम्मीदवार अतुल गर्ग जी, जो कि बिना किसी राजनीतिक पद पर रहते हुए भी समाज के काम का बीड़ा लगातार उठाए हुए हैं।
हर दिलों और दिमाग से आवाज आ रही है। जी हाँ, अब की बार भाजपा सरकार आ रही है।